हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज हम फिर से आए हैं भैया के फिश फार्म पर। आज हम लोग फिश भी लेने आए हैं और सीजर को नहलाना भी था इसलिए भी आए हैं। तो अभी सीजर नहा रहा है, फिर हम लोग फिश फार्म से फिश लेंगे, मतलब फिश अभी पकड़ेंगे। जाओ मामा को दो और उसके फिर घर चलेंगे। इससे शरीफ कोई है ही नहीं नहाने का, एकदम खड़ा है, एक जगह पे हिल भी नहीं रहा है। जो करना है। और अभी इसका ध्यान उधर बकरी पे है, उधर बकरी घूम रही है, मौका मिलते ही लपेट देगा। मिलो उससे, क्यों नहीं मिल रहा तुम, डर लगता है। नहा धो के सिल्की हो गया एकदम, इसको संभालना बहुत मुश्किल है। हम लोग आए हैं फिलहाल बोकारो मॉल और यहाँ पे पार्किंग देख लो, आज संडे को लेके देख लीजिए सर, पार्किंग कैसे फुल है, पूरा पार्किंग फुल है। बहुत मुश्किल से यहाँ पे जगह मिला, हमने गाड़ी यहाँ लगा दिया है। चलो सो हम लोग अभी रिलायंस डिजिटल में हैं। हम लोगों ने एसी फाइनल कर लिया, प्रहलाद को एसी लेना था, हम लोगों ने ये एलजी का एसी फाइनल किया है और बाकी हम लोग सेल्समैन वाला काम कर रहे हैं यहाँ पे। सर ये 5-स्टार एसी, एक्चुअली ये मुझे पसंद नहीं आया, ये आपके औकात में है भी नहीं। अगर आपके अंदर आप जानते हैं ये सब, हमको कम से कम करोड़ में बात कीजिएगा, औकात है आपके पास तो फिर वो लेके दिखाइए ना, अगर दम है तो वो लेके दिखाइए। कुछ लग नहीं रहा है सर, आप वो लेके दिखाइए ना, दम है तो कौन वो वाला, बजट लो नहीं, आपके औकात से बाहर है, साफ साफ बता दिए। क्या हो गया सर? मैक्स के साथ हादसा हो गया, वो जा रहे भैया की गाड़ी में और हम लोग अपनी गाड़ी में। मैक्स डू बाय बाय। क्या हो गया, मम्मा के बिना नहीं जाना? हाँ मम्मा के बिना नहीं जाएगा, वो भी तो अपनी गाड़ी है, वो भी तो अपनी गाड़ी है। हेलो गाइस, इस चेहरे को तो आप पहचानते होंगे जो कि दिल्ली से आया था और कम दिख रहा है। तो आज फाइनली हमारा सेकंड लास्ट डे है और हम जा रहे हैं भैया के फार्म हाउस पे। सीजर हमने आपको दिखा दिया है, मैक्स से आप मिल चुके हो, एक और है हमारे पास जितेंद्र, तो जैकी, हाँ मतलब जितेंद्र भी नाम है उसका, ठीक है। तो अब हम उससे मिलने जा रहे हैं आज और बहुत मजा आने वाला है क्योंकि फार्म हाउस में आज हम पूरा दिन एंजॉय करने वाले हैं, ऑल्दो वी आर लेट हमेशा की तरह। तो 3 बजे निकले हम लोग को, 4 बज गया, 4 बज, हम लोग को 2 बजे निकलना था और 4 बज गए, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम वी आर लेट। तो आज हमारे साथ मम्मी है, दीदी है, बन्नी है और भैया भी है और उनसे भी बड़े भैया और आंटी जा रहे हैं, ये कुणाल भैया की मम्मी है। तो बहुत मजा आने वाला है और मैक्स के साथ एक हादसा हो चुका है, मैक्स है उस वाली गाड़ी में तो वो परेशान है इधर आने के लिए। कोई परेशान नहीं है, वो मजे कर रहा हूँ अभी, तो खैर वो बाहर देख रहा है, उसने शायद ध्यान भी नहीं दिया कि पीछे हम लोग आ रहे हैं। तो देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन, वैसे तो अच्छा ही जाएगा। ये आगे वाली गाड़ी में मैक्स जा रहा है और इसको देखो, इसको कोई मतलब नहीं है, देखो उसको कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है उसको। तो अभी हम लोग पहुंच गए कुणाल भैया के फार्म पे, गाड़ी वहाँ पे पार्क हो गई। अभी गाड़ी पता है वहाँ पे फंस गई थी क्योंकि वहाँ पे चक्का था और धस गया था कच्ची मिट्टी में, तो हम लोग उसको निकाल लिए और ये है फार्म, पीछे बहुत दूर तक है, वहाँ पे सब्जियाँ लगाई गई है और वहाँ पे देखो खेत जो है वो जोतने का काम चालू है। तो अच्छा खासा फार्म हाउस है, बड़ा सा, और मैक्स को देखो वहाँ जाके घूम रहा है मस्त, और उसके साथ नदी में घूम रहा है। और एक बंदे से आपको मिलाते हैं, दिस इज जैकी, सुपर फ्रेंडली मैक्स भी उधर ही घूम रहा है। जैकी जैक नो सुनो, मैं तुमको इधर देखो जैकी, कैसे कर रहा है की तरह? हाँ तो सब एक जैसे ही हैं। क्या हो गया जैकी? क्या हुआ? नहीं इसके साथ भी नहीं करेगा, एक आध बार झाड़ देगा जैक। छील रहा है
जैकी उसको एक आध बार कौन क्या है, लेकिन दोनों खतरनाक है ना। हाँ, लेकिन बच्चा है। जैकी उसको झाड़ देगा ना एक दो बार तो शांत हो जाएगा, फिर कुछ नहीं करेगा। तो एक यहाँ पे छोटा सा इंडी भी है और इसको मैक्स से मिलना है। ये तब से मैक्स को बुला रहा है। क्या हो गया बोलो, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? ये बहुत फुर्तीला है, बहुत ज़्यादा। क्या हो गया बोलो, भैया है वहाँ पे। इसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। इतना मजा आ गया आपको, इतना। हाँ, देख रहे हो कहाँ ये ट्रैक्टर सही हाथ से चलाने वाला, सही हाथ से चल रहा है। ट्रैक्टर चला रही है। ये टमाटर है, वाव। ये देखो, ये टमाटर का पौधा है। ये मूली है और ये मूली का बीज है, लग रहा है देख के बीन्स जैसा। बीन्स नहीं है, नहीं वहाँ देखो बीज है। अच्छा, मूली छोड़ देने बाद तैयार होता है इसी से बीज। मिर्ची फला हुआ, चलो खा के दिखाओ जल्दी फटाफट। खा के दिखाओ ना, देखो ब्लैक भी है मिर्ची। ब्लैक, ये ब्लैक मिर्ची, वाह। खा के देखो तो मैं, आप खा लो। नहीं मैं नहीं खाता, वाह तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ। ग्रीन ब्लैक सब धनिया। हाँ, बड़ा हो गया है ये, बड़ा धनिया हो जाता है, फूल निकल गया। अब इसके बाद ही सब का जो वो तैयार होगा, बीज होगा ना, जो धनिया खड़ा धनिया होता है। ये है वैसे धनिया ये रहा। खा लो फिर। साग बहुत लगा है, पालक साग भी उधर देखो, उधर पालक है। सरसों का साग होता वो नहीं, पालक ये अलग है। सब साग सरसों थोड़ी ना होता है, पालक का साग। अभी हम लोग जा रहे हैं पूरा जितना भी जमीन है सब देखने के लिए, और एक टाइम पे आके ये सारा घेर लिया जाएगा, मतलब फेंसिंग जब हो जाएगा तब यहाँ पे फार्मिंग होगी जबरदस्त तरीके से। ये देखो भाई पेड़ का गेट, क्या हो गया इसमें। मम्मी आ रही है कि नहीं पीछे? एक तो ये कुत्ते तीनों रो रहे हैं ना। उधर मैक्स भी बंद गया है, उधर जैकी भी चिल्ला रहा है, सब चिल्ला रहा है। और ये पूरा एरिया, पूरा एरिया मतलब कुणाल भैया का ही है पूरा, जहाँ जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक। देखो वो सब लोग हमें छोड़ के इतनी दूर, दीदी और मुझे छोड़ के चले गए। कोई चिंता नहीं है जंगल में, खेतों में कोई आ गया तो। अभी आगे बहुत बड़ी नदी आएगी। छोड़ के आ गए थे आप हम लोगों को? छोड़ के क्या आ गए, तुम लोग खुद रुके थे ना। बन्नी तुम नहा नहीं सकता इस नदी में। हम लोग यहाँ पे इसलिए तो आए हैं, इसको हम लोग को नदी में फेंकना है। आओ बन्नी, जाओ मामा के साथ। मेरा भगना भगनी आके सब इसमें नहा के गया। मैं आज वो वाले फार्म पे गया नहाने के लिए, बैठा जैसे ही थोड़ा सा पानी गिरा लाइट कट गया। ये देखो कैसे उतर के जा रहे। ओहो, ये कौन कर रहा है आवाज? यहाँ पे अलग अलग आवाजें आ रही है। ये देखो बन्नी आ रहा है, उसके पीछे देखना कौन आएगा। कहाँ रह गया वो? तुम्हारा जेड प्लस सिक्योरिटी कहाँ रह गया? वो नीचे ही है, जगह भूल जाएगा। तो अभी हम लोग छत पे बैठ के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि नीचे नेटवर्क नहीं आ रहा है, ऊपर आ रहा है। और इसको देखो ठूसने का काम जारी है, क्योंकि हम लोग खेतों में गए थे पीछे बिल्कुल दूर तक, जहाँ तक 8 एकड़ है तो बिल्कुल वहाँ तक गए थे। एक नदी भी थी, वो सब देख के आए तो हम लोग थक गए। तो बैठ के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे लग रहा है हमने लेट कर दिया आने में। कर ही दिया। आगे 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 आ गया इसका जेड प्लस सिक्योरिटी। इधर आ, कहाँ घूम रहा है उसके पीछे पीछे। लिट्टी करने का कंपटीशन चल रहा है क्या? कंपटीशन ही फेल।
क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तुम उसमें। चार लोग लगे हुए हैं इतना सारा लिट्टी गढ़ाने में 15-20 मिनट लगेगा। ये पक्का तुम्हारा बनाया हुआ लग रहा है। नहीं मैंने अभी तक एक ही परफेक्ट बना रही है। टाइम लगेगा लग गई है, जल्दी हो जाएगा। आड़ा जोड़ा जा रहा है यहाँ पे गोबर के साथ, जिसको हम लोग गोईठा बोलते हैं, और ये अमेजोन पे काउडंग केक के नाम से बिकता है गोबर के उपले। देख लो आड़ा, तुमको देखना था ना, आके देख लो यहाँ पे। स्मेल नहीं करता, सूखा हुआ है भाई, स्मेल नहीं आएगा इसमें से। आग पे सेका रहा है, प्याज घिस लिए, प्याज भी डालता है आग पे सेक के। ये तो हम पहली बार देखते हैं। चोखा के लिए ये सारा चीज आग पे बनाया जा रहा है, इसी से चोखा बनेगा। आलू लेकिन उबाला जा रहा है ना, आलू से पकाया जाता है। हाँ, एक एक आलू पकाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये बैंगन टमाटर सब अपने खेत से निकाले। हाँ, बैंगन टमाटर प्याज सारा खेत से ही निकाला हुआ है। इनफैक्ट धनिया वगैरह जो भी यूज हुआ है सब खेत से ही निकाला गया। खेत होने का फायदा है ना। उधर लिट्टी बन रहा है, इस भाई साहब को देखो, एक बोतल चुरा के लाया है, 10 मिनट से यहाँ बैठा है बोतल मुंह में लेके, ना तो इस बोतल को काट रहा है ना छोड़ रहा है। क्या ऑब्सेशन है इस बोतल को लेके पता नहीं। मैक्स दे दो मेरे को बोतल, दे दो। तोड़ भी नहीं रहा है, बस मुंह में लेके बैठा हुआ है। लिट्टी सकाने का कार्यक्रम चालू हो चुका है। आके लिट्टी सेक के देखो, तब मजा आएगा ना। हाथ ही जल जाएगा मेरा। इसको आदत नहीं है, हाथ जल जाएगा फट, तुरंत हाथ जलेगा। लिट्टी बनाने के बाद लिट्टी ऐसे झाड़ा जाता है ताकि सारा उसमें का डस्ट निकल जाए। तुमको उस दिन तुमने देखा नहीं था ना झाड़ा कैसे जाता है, देख लो। क्या करेगा ये, देख लो तब से बंद है और इसको मजा नहीं आ रहा। इसको ही बाहर जाना है।